तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जब हम किसी भी व्यक्ति को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो एक एरर देखने को मिलता है, नॉट एवरीवन कैन मैसेज दिस अकाउंट, यानी कि इस अकाउंट पे आप लोग पर्सनल मैसेज नहीं कर सकते। इसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, या फिर कुछ लोगों को जब कोई व्यक्ति मैसेज करता है तो उनके पास मैसेज रिसीव नहीं होता। आखिर ऐसा होता क्यों है, या फिर सोच समझ के ये किया जाता है, तो ये इसके कैसे सही कर सकते हैं यदि इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आता है तो। यानी कि आप किसी व्यक्ति को मैसेज टाइप कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे रीड यानी कि सीन नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, होम पेज पर आना है, इसके बाद प्रोफाइल पर आना है, इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखो सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैसेज कंट्रोल का, सिंपल मैं स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई, तो सिंपल हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं मैसेज कंट्रोल पर, सिंपल इस पर क्लिक करना है। एक्चुअली में होता क्या है, मान लो कोई व्यक्ति हमें मैसेज कर रहा है, हमारे पास मैसेज नहीं दिख रहा है, इस कंडीशन में सिंपल फर्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे डोंट रिसीव रिक्वेस्ट पे क्लिक किया होता है। अब हम इस पर क्लिक कर दिया, अब हमें कोई भी बंदा मैसेज करेगा इंस्टाग्राम पे तो हम सीन नहीं करते, यानी कि हमारे पास रिक्वेस्ट यानी कि मैसेज आएगा नहीं, तो ये सोच समझ के किया जाता है। ज़्यादातर ये लड़की करते हैं क्योंकि उन लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो उस अकाउंट पर ज़्यादातर मैसेज करके परेशान करते रहते थे, इसलिए ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, मान लो कोई व्यक्ति आपने यहाँ पर कर रखा है डोंट डोंट रिसीव रिक्वेस्ट पे, तो उसे सिंपल आपको पर्सनली बात करना है, उसे बोल दो कि मैसेज रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, तो फिर नेक्स्ट टाइम से आप लोग आप जब मैसेज करेंगे तो आपको मैसेज सीन करेगा, फिर उसका रिप्लाई देगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको नहीं करेगा, क्योंकि तो जब तक कॉन्टेक्ट नहीं होगा तब वो करेगा ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल मैं बता देता हूँ। तो हम तो यहाँ पे इसे हम होम पेज आते हैं, तो जो जिस अकाउंट से आपको बात करना है तो सिंपल उसको प्रोफाइल पर जाएगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मान लो एक अकाउंट है, यहाँ पर देख, यहाँ पर है एक एरर आ रहा है, एवरी वन कैन मैसेज दिस अकाउंट, तो सिंपल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरी लगा रखे हैं, तो सिंपल स्टोरी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो मैसेज आप टाइप करना है तो सिंपल आप टाइप कर सकते हैं फर्स्ट नंबर, लेकिन वहाँ पे कई बार रीड हो जाता है, कई बार रीड नहीं होता है, एक 100% सोल्यूशन नहीं है, मैं सिंपल बता रहे, तो इसे हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद सिंपल क्या करना है, देख सकते हैं मैसेज पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर कुछ भी मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पर रीड नहीं होगा, सिंपल, क्योंकि वहाँ पर जाएगा नहीं तो वहाँ पर आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तो इसे हम बैक कर लेते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल देखो कि ये जो भी जिसका अकाउंट है तो ये मैसेज यानी कि जो पोस्ट कर रखा है, यानी कि फ़ोटो वोटो जो अपलोड किया होगा, या फिर कई बार फोटो किया होता है, या फिर स्टोरी, या फिर लेटेस्ट फोटो अपलोड अपडेट करता है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है, तो आप उस फोटो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और इसके बाद उसे बोलिए किसी वो हमें फॉलो बैक करे। यदि फॉलो बैक करता है तो आप लोग उससे फिर बात कर सकते हो, क्योंकि जब तक वो फॉलो नहीं करेगा आपको अकाउंट के और आप उनके अकाउंट के नहीं करेंगे जब तक उनसे आपको बात नहीं होगा। तो ये एक लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देंगे तो कुछ अलग अलग तरीका बताते हैं, लेकिन कोई ऐसा तरीका काम नहीं करने वाला। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।